जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है और जबरदस्त स्वागत है, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने आया हूँ छोटी छोटी मगर मोटी बातें के इस एपिसोड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, शून्यों की संख्या ज्ञात करें। बहुत सारे विद्यार्थी ये सब चीज़ को इग्नोर करते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछ देता है तो छूट जाता है और एक नंबर छूट गया समझते हैं, मेरिट बनने में बहुत प्रॉब्लम होता है और बहुत सारे विद्यार्थी से पीछे होते हैं। तो आइए सीखते हैं कुछ ही मिनटों में कि कितनों बड़ा गुना रहे और पूछे कि इसके अंत में कुल कितने शून्य हो गए, तो आप सेकंडों में बता सकते हैं वो कैसे, बस थोड़ा सा समझ लेना है। 6 क्वेश्चन है, आराम से सीख जाइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1 × 2 × 3 × 4 प्रकृत संख्याओं का गुणनफल है 200 तक, इसके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या, तो इसको सीखने में थोड़ा देर लग जाएगा, पहले समझिए कैसे। पहली बात तो यह है कि आप सोचिए कि गुना करेंगे, ये पूछना ये चाह रहा है कि 1 × 2 करो, तो 2 × 2 = 6, 6 × 24 = 24, 5 × 125 = 120, फिर 120 को 6 से गुना करेंगे 720, फिर उसको 8 से, फिर 9 से, फिर 10 से, फिर जितना आएगा उसको 11 से, 12 से, 200 तक करते रहिए, दिन भर लग जाएगा, पूरा गाँव वाला, पूरा मोहल्ला वाला, घरों भर बाले बच्चे मिल के करिएगा, था कंप्यूटर मोबाइल सब फेल हो जाएगा, तैयो नहीं पता चलेगा कई गो सुनना अंत में आएगा, इतना अंक आ जाएगा। तो जान लीजिए मैथ में जो जितना असंभव लगता है उतने आसान होता है, वो कैसे, हमें चाहिए शून्यों की संख्या ज्ञात करना, तो ई जड़ पकड़ना है कि शून्य बनता कैसे है, शून्य का निर्माण होता कैसे है। तो भले आप अभी तक गौर नहीं किए होंगे, लेकिन आज आप समझिए, आश्चर्य चकित रहिएगा, 1 × 5 = 2 मिलके 5 × 2 = 10, एक शून्य का प्रोडक्शन करता है, 1 × 5 = 2 जब गुना होता है ना, मतलब किसी अंक को भी गुना कर रहे हैं तो उसमें 5 और 2 छिपा हुआ रहेगा, तब भी उसके अंत में शून्य आ सकता है, नहीं तो शून्य आने की कोई संभावना नहीं है। 2 × 5 = 2 मतलब 25 × 4, देखिए यहाँ 5 और 2 है ना छिपा हुआ, 25 × 4 = 100, 2 × 5 = 2 गुना हुआ तो 2 शून्य बन गया, 125 को 8 से गुना करिए हो जाएगा 1000, 3 शून्य बन गया। अब तो पता चला होगा कि शून्य का निर्माण कैसे होता है, किसी को भी आप गुना कर रहे हैं और अंतिम में शून्य आ रहा है, तो 1 शून्य आ रहा था जरूर 1 × 5 = 2 गुना हुआ होगा, 2 शून्य आ रहा है तो 2 × 5 = 2 गुना हुआ होगा, 3 शून्य आ रहा है तो 3 × 5, यानी 5 और 2 का एक जोड़ा मिलता है तब शून्य बनता है। अब बताइए, आपको कोई बोले जनगणना करने के लिए, बोले कि जनगणना करो तो इस साल तुम्हारा टोला मोहल्ला में गांव गिराव में शहर में कितना का शादी हुआ है, तो किसको गिनिएगा, कोई जरूरी है कि लड़का लड़की दोनों के गिने, अरे कोई एगो के गिन लो, जैसे एक लड़का के एक गो से ना शादी होगा, ये जनरल नियम है, प्रकृति नियम है, 1, 3, 4 गो से कर लिया वो अलग बात, लेकिन प्रकृति नियम यही है। तो गिनने बोले, कभी कभी सुनते हो गांव बोलता है कि लगता है इस साल ज्यादा लड़की के शादी हुआ है या ज्यादा लड़का के, लेकिन ऐसा थोड़ी ना, उनके यहाँ भले हुआ होगा लेकिन दोनों बराबरे होता है, तो किसी को गिन लो, तो गिनने में सबसे आसान उसको होगा जिसकी संख्या कम रहेगी, जैसे लड़की की संख्या कम है, चलो लड़की को गिन लेते हैं, जैसे लड़की की शादी होगा उतने लड़का को भी शादी होगा, तो ये देखना इस प्रकार के क्वेश्चन में कि संख्या 2 का कम है या 5 का, जिसका संख्या कम रहेगा उसी को गिनना, क्योंकि हमें पेयर बनाना है, तो जो कम रहेगा उतने पेयर बनेगा, ज्यादा रहेगा उतना पेयर बनाने के लिए हम कहां से खोज के लाएंगे, जो कम रहेगा उसको गिन लीजिए उतने पेयर, तो 5 और 2 जब मिलता है एक पेयर, तो शून्य बनाता है, तो पता लगाते हैं कि इतना से 200 तक में कितना 5 या 2 है, तो बोले सर कौन गिने पता कैसे चलेगा, तो आप जानते हैं कि 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद फिर 8 आएगा, उसी प्रकार से आगे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर 8 आएगा, फिर 200 तक, यहाँ 200, 400 अनंत तक जितना तक चला जाए। तो आप सोचिए कि 2 = 1 है, 4 में भी 2 है, तो 3 × 2 = 6 में भी 1 होगा, काहे कि 3 × 2 = 6 होता है, तो कितना हो गया, 2 × 2 = 1, 3 × 3 = 4, 13 × 2 = 2 8 में 2 × 2 = 3 है ना, तभी ना वो होगा। तो बोले सर ये परी तो 4 × 3 = 7 हुआ था, 5 + 1 = 1 मिला है, यानी 5 की संख्या लगता बहुत कम है, जैसे हरियाणा में लड़की की संख्या बहुत कम है, वैसी 5 की संख्या बहुत कम है, और जब तक 5 2 के साथ कंबाइन नहीं करेगा सुन्ना का निर्माण नहीं हो सकता है, तो 2 काहे लगे गिनेंगे, 2 तो ढेर सारा हो जाएगा ना, 5 गिनने से ना फायदा है, 5 जयगो रहेगा और 2 के साथ कंबाइन करके सुन्ना बना देगा, इसलिए कभी भी सुन्ना निकालना है तो लास्ट निष्कर्ष, मतलब आप कह सकते हैं शून्यों की संख्या बराबर 5 की संख्या,
शून्यों की संख्या निकालना है, तो समझिए कि आपको पाँच की संख्या निकालना है, यही ट्रिक हो गया। तो बोलिए कि सर अब पाँच की संख्या हम निकालें तो कैसे निकालें, तो देखिए ना हाउ ट्रिक, 200 में पाँच से भाग दे दिए, समझ जाइए कि पाँच की संख्या निकल गया। सात से भाग दे दीजिए, सात से की संख्या निकल जाएगा। लेकिन अभी रुक जाइए, इतना मत मुस्कुराइए, अभी इतना आसान नहीं है। हो सकता है कोई कोई ऐसनों घर है जहाँ डबल शादी हुआ होगा, तो उसको भी गिनिएगा ना भाई, कि जनगणना से बाहर कर दीजिए। बोले वो कैसे सर, तो पाँच से भागा दिए ना तो खाली पाँच ही निकला, लेकिन जो जो संख्या 25 से कट रहा है ओरा में डबल पाँच ना है 25 में, तो 25 से भी भागा देना पड़ेगा। अब अभी आओ रुक जाइए, कभी कभी एक के घर में तीनों को शादी हो जाता है, जैसे राम भगवान के हुआ था ना चारों भाई के, वैसी तो 125 से दीजिएगा। अभी 625 से दीजिएगा, लेकिन उससे बड़ा रहेगा तब ना दीजिएगा 625 से। तो जहाँ तक है वहीं, पहले पाँच से, फिर 25 से, फिर 125 से काट दीजिए। बोले सर 5 से 5 चौका 20, 40 बार में 25 से 25 8 200। आपको जरूरी ना है कि काटे काटे चाहे नहीं, हमें उसका जितना बार पूरा लग रहा है वो चाहिए। 125 से एक बार तो लगेगा, क्योंकि दो बार में 250 हो जाएगा ना, तो कम से कम एक बार तो इसमें 125 आया होगा ना, यानी तीन बार पाँच आया होगा। तो टोटल पाँच की संख्या हो गया 40 प्लस 8 प्लस 1, 40 8 48 49। अब यही हो गया शून्यों की संख्या, यानी कि 1 से लेकर 200 तक प्रकृत संख्याओं का गुणनफल में अंतिम में खाली 49 को शून्य आएगा। सोचिए कितना बड़ा संख्या बनेगा, इधर तो कितना अंक होवे करेगा, अंतिम में सिर्फ 49 को शून्य आएगा। कौन कंप्यूटर से गुना करिएगा, कई होगा, कभी नहीं होगा। मतलब यदि 49 को सुनना बैठा के कोई का पैसा दे देवल जाए तो 10 15 50 100 पीढ़ी तक गिनते रहेगा, तभी नहीं गिनाएगा। सोचिए, क्योंकि भारत में खाली नोटबंदी में जितना नोट खत्म हुआ था ना, उससे अनुमान लगाया गया था कि आसमान में सीढ़ी लगाया जा सकता है, एक का नोट सरियावेगा, तो सोचिए कितना होगा। तो आपको पता चल गया अब कितनों नोट होगा, नोट तो मिलने वाला है नहीं, लेकिन पता चल गया कि शून्यों की संख्या 49 होगा, यानी पाँच की संख्या इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। यदि लास्ट से निकालना हो कि नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट निकालिए, तो शून्यों की संख्या निकालना हो तो पांच की संख्या निकालेंगे। क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन कुछ पलट भी तो सकता है, हालांकि दूसरा वही है, 1 से लेकर 278 तक। तो बोलिए कि सर आप ही तो बताए हैं, 278 में पहले 5 से भाग देंगे, फिर 278 में फिर 25 से भाग देंगे, फिर 278 में 125 से भाग देंगे, और 625 से तो अब देंगे नहीं, 1 को 5, 2 को 5, 3 को 5, 4 को 5, उससे बड़ा रहेगा तब ना, तो इसको 5 से भाग देंगे ना, तो पापा छः 25 बचा 2 तो 28, पापा छः 25 शेष बच रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं हमें, मतलब 5 से 25 से काटेंगे तो 25 नमा 2 25, 25 से 10 बार में 11 बार में 275 होता है, तो 11 बार में कट गया 275, और बाकी क्या बचेगा उसे कोई मतलब नहीं। 125 दो बार तो आएगा ना, तीन बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, दो बार में 250 होता है, तो दो बार 55 11 जोड़िए 66, 66 268, यानी 1 से लेकर 278 तक के अंत गुना करेंगे ना, 1 से लेकर 278 तक बोला है, मतलब सभी प्रकृत संख्याओं का गुना करना है, तो शून्यों की संख्या होगा 68। अब आप कभी नहीं भूलिएगा प्रकृत संख्या में शून्यों की संख्या ज्ञात करना, दो एग्जाम्पल बता दिए। अब आइए इसमें 2, 4, 6, 8, उसके बाद 10 आएगा, 12 आएगा, डॉट 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 198। देखने में लग रहा है कि सम संख्या का सीरीज है, किसका है सम संख्या। तो बोलिए अक्सर सम संख्या है तो एरा में 5 आवे तो संभावना नहीं, तो कौची करें, तो सम संख्या में जब भी शून्य निकालना है ना, तो 198 में 10 से भाग दीजिए, फिर अभी 198 में 50 से भाग दीजिए, फिर 250 से भाग दीजिए। लेकिन उस सब बोलिए क्यों सर, अभी तो आप 5, 10 है, तो जब लगातार प्रकृत संख्या तो 5 या 2 निकालना है, लेकिन सम में सुनना कहाँ कहाँ पर होगा। तो बोले सर 2 में नहीं होगा, 4, 6, 8 में नहीं होता, 10 में ना होगा, 10 के बाद फिर 20 में ना होगा, 20 के बाद फिर 30 में होगा, फिर 30 के बाद 40 में होगा, मतलब 10, 10 में, इसलिए हम 10 से भाग दिए। लेकिन 50 में 10 के साथ एगो 5 आ रहा है, 10, 5, 50, तो 5 भी तो देखिए इतना सारा सम संख्या है, 5 भी तो कोई सम संख्या के साथ गुना होकर शून्य बना देगा। इसलिए सीधा याद रखना है कि जब लगातार कर्मागत संख्या रहे तो 5, 25, 125, 625, 3125 आगे बढ़ते जाएंगे, उतना बड़ा रहेगा तब ना, छोटा ही देगा। लेकिन जब सम रहे तो उसका दुगना से, देखिए 5 है तो 10 से, 25 है तो 50 से, 125 है तो अभी 250 से, उससे बड़ा रहेगा तो, उसके बाद 625 है तो 1250 से, आगे बढ़ते जाएंगे।
सम संख्या में, सम संख्या ऐसे भी दो चार छः होता है तो काट दीजिए। तो बोले सर 10 से 19 बार में तो कटेगा ही कटेगा 190, बाकी शेष जो बचेगा उससे कोई मतलब नहीं। 50 से 3 बार में तो कटेगा 150, 4 बार में तो ज़्यादा हो जाता है। 19 से 3 कितना होगा? तो बोले सर 19 3 22, यानी यहाँ पर शून्यों की संख्या 22 होगा, इसमें कोई नहीं काट सकता, 100% सही है। तो प्राकृतों में सीख गए, सम में भी सीख गए। अब आइए यहां पर इसको फंसाता है, कहता है 1 × 3 × 5 × 7 × 9 … 199 के अंत में शून्यों की संख्या। अब बहुत सारा बच्चा गलती क्या करता है कि फटाफट 199 में 5 से भाग दे दिया, फिर 100 ई वाला सीख लिया है, 199 में 25 से, फिर 199 में 125 से, 199 में और तो उधर है नहीं कुछ, मतलब उससे बड़ा तो है नहीं, तो 5 से ऐसे किया, 5 × 3 = 15, बचा 4, 4 × 9 = 49, तो 5 × 9 = 45, 25 से कई बार में 8 बार में तो 200 होता है, 7 बार 125 से 1 बार, 39 और 7 होगा 46 और 147, अब गदगद हो गया आंसर मार के, जबकि गलत है, क्योंकि आप ई सिर्फ 47 को 5 निकाले हैं। अब बताइए खाली लड़की को बैठा दिया जाए, लड़का रहबे नहीं करेगा, शादी होगा अपने में अपने तो शादी नहीं होगा। भारत में समलैंगिक को अभी मान्यता नहीं मिला है, ठीक है ना, जहिया मिलेगा देखा जाएगा, लेकिन इसमें तो खाली 5 ना है, सम संख्या पे कहीं पर कोई संभावना है नहीं है, तो जब तक 5 किसी सम संख्या से गुना नहीं होगा वो बना ये नहीं सकता है। सुनना, जैसे 5 को विषम से गुना करिए, 5 × 5 = 5, 5 × 3 = 15, 5 × 25 = 5, लेकिन 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20, सब में सुना रहा, लेकिन इसमें तो सम है ये नहीं, इस सीरीजे विषम के हैं, तो इतना लिखे की जरूरत नहीं है, सीधे लिख देना है शून्यों की संख्या 0, मतलब शून्यों की संख्या 0, एक को सुनना इसमें नहीं होगा। आगे आइए, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में 0, शून्यों की संख्या। तो पहले अभाज्य संख्या क्या होता है पता रहेगा तब ना, आपको बताए थे संख्याओं के बारे में एक बार शॉर्ट में। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से ना कटे, वो कौन कौन होता है? 2, फिर होता है 3, फिर होता है 5, फिर होता है 7, फिर होता है 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर … अनंत तक होता है। तो सभी जितना अनंत तक अभाज्य है सभी के गुणनफल में शून्यों की संख्या। तो बोलिए सर सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, और मात्र 2 ये एक अभाज्य संख्या है जो सम है, बाकी सब अभाज्य संख्या विषम है। तो बोलिए सर ये गो 2 होगा, ये 5 के साथ गुना होके एगो शून्य बना देगा और क्या, यानी यहाँ पर शून्य की संख्या कई गो हो जाएगा? एगो, क्योंकि एगो 5 है एगो 2 है, बाकी तो उधर 5 अब आई वो नहीं करेगा क्योंकि आप 15 लिखे हैं, तो वो तो भाज्य नहीं हो जाएगा। अब 5 आई हो जाएगा तो क्या कर लेगा? 2 एक के गो ना है, इसलिए एक ही गो शून्य बनेगा। देखिए कितना आसान है, एगो शून्य देखते ही माइंड में आएगा आंसर मारेंगे, कितना समय लगेगा लेकिन हम लोग छोड़ के निकल जाते हैं कि अरे कहाँ से उटपटांग क्वेश्चन पूछ दिया। यहाँ ये 2 से बड़ा सभी अभाज्य संख्याओं के गुना करने पर, तो बोलिए सर 2 जे एगो 2 बचल था उसको भी आप हटाइए दिए, तो अब यहाँ से अभाज्य संख्या बचा 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, जितना लिख दीजिए आप, सभी अभाज्य संख्या भी समय न होगा, 2 ये नहीं गो सम हो रहा था उसको भी हटाइए दिए, तो क्या अब इसमें शून्य बनेगा? एक को शून्य नहीं बनेगा, यानी शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा? 0। सीख गए ना आराम से, प्रकृत संख्या में 5 × 5 = 5, 25 × 125, सम संख्या रहेगा 10, 50, 250, आगे भाग देते जाना है उससे जब तक रहे छोटा रहेगा। विषम में तो सुनना होवे नहीं करेगा कोई हालात में नहीं, अभाज तो आप जानवे करते हैं, सभ्य अभाज बोला था ना इसलिए हम 2 को शामिल किए थे, तो ये गो सुनना हुआ, बाकी 2 से बड़ा तो जितना अभाज है सब विषम है, और विषम में सुनना आने की कोई संभावना गुना करने पर नहीं है। क्लियर, आप सीख पाए? अच्छा लगा है तो दबा के शेयर करिए, सब विद्यार्थियों को पहुँचाइए, यदि अधिक से अधिक शेयर होगा और आप लाइक कमेंट करिएगा तो इस प्रकार के टॉपिक से पूरा जितना बेसिक और नंबर सिस्टम है जिसमें आपको प्रॉब्लम होता है सब का सब कंप्लीट होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।